मैं जब क्लास 7th में था तो उस समय मैं अपने गांव में ही रहता था, तो मैं अपने पिताजी के साथ खेतों पर जाया करता था। तो मैं वहाँ देखता था कि जो किसानों की फसल है, जैसे एक किसान इतना मजदूरी करके लगाता है और उसका रिजल्ट आने तक का वेट करता है, उसे गाय, खुली हुई गाय बर्बाद कर देती हैं, खुले हुए और जानवर, बकरी वगैरह उसे बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो जानवर हैं जिनको किसानों ने ही छोड़ा है और आज किसानों का ही लॉस कर रहे हैं। तो इस समस्या को उन्हें कैसे समझाया जाए, मैंने इसके लिए कार्य किया, और उन्हें क्या समाधान दिए जाएं इसके लिए कार्य, उस समय से मेरी ये सोच मेरे अंदर जागरूक हुई। मेरा नाम विषय प्रताप सिंह है, मेरे इनिशिएटिव का नाम एनिमा ड्राइव है। एनिमा ड्राइव में हम उन जानवरों का प्रयोग करते हैं जिन्हें लोग दूध न देने के बाद छोड़ देते हैं और वो सड़क पर या फिर खेतों में किसानों की फसल को बर्बाद करते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें किसानों की मार भी झेलनी पड़ती है और रोड पर आते हैं तो एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। ये समस्या बहुत ही भयावह है। मैंने इसे पास से देखा और समझा, तो मैंने इसका समाधान देने का कोशिश किया और मैं आज तक उसमें लगा हुआ हूँ। जब मेरी जर्नी शुरू हुई तब मेरे पास कोई टीम नहीं था। धीरे धीरे लोग मेरे इनिशिएटिव के पीछे का जो थिंकिंग है उसे जानकर जुड़ते गए। हम उन्हें वॉलंटियर कहते हैं। धीरे धीरे लोगों के जुड़ने से हमारा एक बड़ा समूह तैयार हुआ। मेरे टीम में बात रखने का जो तरीका है वो पूरी तरह से स्पष्ट है। हम एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का डिस्कशन कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँ, अगर आपको कोई चेंज लाना है तो सबसे पहले एम्पथी जानना बहुत ज़रूरी है। एम्पथी को जानने के लिए आपको किसी समस्या को देखना होगा और आपको फील करना होगा कि आप उसके लिए कैसा फील कर पा रहे हैं। अगर आपको लगता है आपको उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने में इंटरेस्ट आ रहा है, या बोलें कि आपको रोज़ करना चाहिए ऐसा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एम्पथी क्रिएट हो रही है। जो एम्पथी क्रिएट हो रही है वो धीरे धीरे एक बदलाव की ओर आपको ले जा रही है, और ये एक बदलाव एक दिन आपका चेंज मेकिंग आइडिया हो सकता है। एवरीवन इज अ चेंज मेकर, अगर मैं अपने शब्दों में तोड़कर बताना चाहूँ तो कुछ ऐसा है। हर घर एक चेंज मेकर होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक हम तरीके से देखें तो अर्थ बहुत बड़ा एक घर है, और कहीं ना कहीं हमारा घर एक उसमें छोटा सा घर है। तो अर्थ में बहुत सारे चेंज मेकर्स का होना ज़रूरी है, घर के अंदर शुरुआती तौर पर एक चेंज मेकर का होना बहुत ज़रूरी है, तो दुनिया हमें बदलते हुए रास्ते की ओर ले जाएगा।